कौन से टाइम की रोटी खा रही है भाई? आज कड़ा बन रहा ना तो मेरे को बैटमैन बागड़ बिल्ली। जय माता दी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय अदर न्यू ब्लॉग। होप आप सभी ठीक होंगे, बड़ी होंगे, फिट होंगे। तो अभी मैं नाइट ड्यूटी करके आ गया हूँ। सुबह के बज रहे हैं 6:07 बजने वाले हैं, तो 7 बजने वाले हैं। तो वाइफ तो सो रही है, वो अभी मेरे को देख के हंस रही है, ये सुबह सुबह लग जाता है। तो ओके, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर ले, कमेंट भी कर दें। तो बने रहें कंटिन्यू ब्लॉग के साथ। आगे का ब्लॉग अभी नाश्ता, मैं दूध पीने लगा हूँ, दूध पी के सो जाऊँगा, फिर आगे का ब्लॉग सो के करते हैं कंटिन्यू। ओके बाय बाय। तो गाइस, सो के मैं अभी उठ गया हूँ। आज मौसम भी बहुत तगड़ा हुआ है, बारिश वाला मौसम है भाई, बारिश वाला। भाई बारिश दिखाई दे रही है, तगड़ी हो रही है। सुबह से बारिश इतनी ज़बरदस्त हो रही है, ठंडा हो रहा। अभी कंटिन्यू रहेगी। मैंने बोला था ना यार, बारिश कम हो रही है उस दिन, कल परसों वाले ब्लॉग में बोला था कि बारिश कम हो रही है, क्योंकि बारिश रहती थी कंटिन्यू अगस्त महीने में। तो अभी मेरे को लग रहा है कंटिन्यू रहेगी, अगस्त लास्ट तक रहेगी कंटिन्यू। बीच में रुकेगी एक दो दिन बाद, अभी रहेगी बारिश ऐसी, क्योंकि पिछले साल जो थी बहुत ही रही थी, सितंबर लास्ट सितंबर तक रही। तो देखो अभी इस बार कब तक रहती है। तो अभी मेरे को फ्रेश भी होना, नहाना भी है, तो नहा लेते हैं, फ्रेश हो लेते हैं, फिर करते हैं बात कंटिन्यू, बने रहे ब्लॉग के साथ। गाइस हम रेडी हो गए हैं, क्योंकि नहा धो के फ्रेश हो के सब कुछ पूजा पाठ करके रेडी हो गया। अब हम खाएंगे खाना। खाने में क्या बनाया है? खाने बने हैं, क्या बने हैं? दही वाले आलू बने हैं, दही वाले आलू बने हैं, दाल रोटी बनी है। तो अभी खाएँगे दही वाले आलू और रोटी। तो फिर नाइट ड्यूटी वही सेम रूटीन होगा अपूंगा, क्योंकि आज तो देखते हैं ना रनिंग करेंगे ना जिम करेंगे, क्योंकि आज तो बारिश हो रही है, जिम जाएंगे देखेंगे अगर तो टाइम मिला तो। तो चलो ओके बाय 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 क्या बाय 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 ओके फिर मैं खाना खा लेता हूँ। साक्षी चाय बनाना, बीच में लौंग डाल के, इलाची डाल के, लौंग इलाची वाली चाय बना, लौंग इलाची वाली तगड़ी वाली आती नहीं, लौंग इलाची मैं ते लौंग 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 इलाची की चाय है, गर्म गर्म एवं चाय होनी चाहिए, गर्म गर्म तगड़ी ठंडी चाय होनी चाहिए। बोलते हैं जब आदमी का दिल करता ना, जब किचन में जाता ना आदमी, तो फिर देखना दिल से जाता हूँ, दिल से ऐसे नहीं कि लेडीज की तरह से डेली हाँ चले खाना बनाने, क्या मतलब जब भी उनका रोज का काम होता है, आदमी का होता है, कभी 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 जाता हूँ, दिल से जाता हूँ। तो मैं घर पे जब जाता हूँ ना, देखा चाय पिलाई थी एक बार, गुड़ वाली चाय पिलाई थी, गुड़ वाली चाय, देखना कितनी टेस्ट हुआ। कभी कभी सबने नहीं बोला था, बीच बीच में कभी किया नहीं उन्होंने टेस्ट, उनको क्या पता गुड़ वाली चाय क्या होती है। हमने भाई बाहर इतनी ज्यादा स्टेटों में घूमा मैं, मगर बाहर में हर टाइप की चाय पीता हूँ, कैसे कैसे चाय का टेस्ट। मगर मैं कहीं गया था, कहाँ पे गया था पी थी, गोवा में गया था शायद, गोवा में गया तो गया था, वहाँ पे पीता था गुड़, ना ना चॉकलेट वाली चाय नहीं, गुड़ वाली, तो वहाँ पे पीता था मैं चाय, गुड़ वाली चाय बहुत फेमस थी उधर में। तो बोला गुड़ वाली चाय तो इतनी तड़ लगी थी मैंने कि घर में, गुड़ वाली चाय चंगी तड़ लगी। उठी गया मैं उठी, मतलब उठा काफी, उठू उठी से मैंने इतने डब्बे लाए थे चाय के लिए, इतने डब्बे। भाषा कौन सी है? ये चलती आधी डोगरी आधी हिंदी। क्यों उठी गया था मैं उठी से, इतने डब्बे लाए थे मैंने चाय के डब्बे, और क्या सभी बेइज्जती कर दी इन्होंने। वो भी अलग अलग वैरायटी की, चॉकलेट टी, कॉफी टी, पानीपुरी कौन सी टी, इलाची टी, मसाला टी, तो कितने सारे डब्बे लाए थे। मगर घर वाले हमारे बोलते चाय नहीं बनती अच्छी, ऐसे फेंक दी, ऐसे फेंक दी। मैं जो ऊटी की चाय सबसे फेमस, उधर ऊटी में फैक्ट्री है, और मतलब जैसे निकलोगे ना, मतलब
घर से बाहर निकलो या रूम से बाहर निकलो ऐसे दुकानें, चाय की दुकानें, चॉकलेट की दुकानें, चॉकलेट इतनी तरह तरह चॉकलेट। ओके गाइस, लंबी हो जाएगी वीडियो, तो मैं यही है मेरा टारगेट कि मैं छोटी छोटी मतलब वीडियो बनाऊँ, क्योंकि पहले तो काफ़ी लंबे लंबे 25-25 मिनट 26-26 मिनट के ब्लॉग आते थे, तो अभी थोड़े कम शॉर्ट में ब्लॉग आता 7-8-10 मिनट का। ओके, चाय पीते हैं गर्म गर्म, आ जाओ आप ही पी लो गर्म गर्म चाय, गर्म गर्म चाय पी लो, ठंडी डी है, ठंडी डी पीती चाय वो भी फ्रिज में लगा के, फिर भी नहीं चाय घर में पता क्या करती थी, चाय को ना फ्रिज में लगा के भी पीती थी, बताओ फ्रिज में लगा के चाय भी ना इसका काम था, बोलते फ्रिज में लगा के चाय भी नहीं। देखो भाई कैसे 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 बंदे हमारे, कैसे कैसे सोच विचार है, कोल्ड चाय बोलो, कोल्ड का भी सुनी है मैंने भाई, कोल्ड चाय भी सुनी अभी तक, कोल्ड चाय भी सुनी मैंने अभी तक है, कोल्ड का भाई कोल्ड चाय भी आ गया है, सुनो भाई कोल्ड चाय, कोल्ड चाय, कोल्ड का भी तो सुनी थी मतलब कोल्ड, ये देख रहे हो मिट्टी का प्याला है, मिट्टी का प्याला, इसमें भी तो चाय। ओके बाय बाय, अभी कौन से टाइम की रोटी खा रही है, कौन से टाइम के खाना खा रही है, टाइम कितना हो रहा है, टाइम हो रहा अभी 5 बज रहे हैं शाम के, अभी खाना खा रही है, वो पूछे इससे कौन से टाइम का खाना खा रही है, तो चलो पूछते हैं, तो चलो पूछते हैं। सो मैडम आप क्यों खा रहे हैं इस टाइम का खाना, क्यों खा रहे हो इस टाइम पे खाना, मतलब आपको दोपहर को खाना क्या नहीं मिलता क्या, मुझे इस टाइम पेट में मुझे इस टाइम पेट में चूहे नाच रहे हैं, और क्या नाच रहा है, किसकी बरात आई है जो पेट में चूहे नाच रहे हैं, आप मेरी बरात तो एक बार चले गए, किसे चूही से बरात शादी करवा दिया चूही कौन है, दो दो शादी से छोतन आ जाएगी फिर आपकी, फिर आप क्या करोगे, जो छोतन आ जाएगी वो तो आपके कपड़े भी सभी काट देगी है, जो राशन रखा होगा वो भी खा देगी, क्योंकि वो चूही होती है वो बहुत तेज होती है, वो कपड़े कपड़े काटने पर बिस्तरे काटने पर काफी तैयार है ना, हमारे पास नहीं ना AK-47 भी नहीं ना, वो लगती नहीं ना उसको गोली नहीं ना मार सकते हम, क्योंकि बोलते हैं गोली क्यों, आप क्यों करवाना चाहते हो, आप शादी क्यों करवाना चाहते हो चूही से अपने पति की, यानी कि मेरे से, क्योंकि मेरा पति मेरे को चूहे की तरह तंग करता है, तो इसलिए उसको चूहे चाहिए ना कि मैं चाहिए, मैंने क्या चूहे की तरह आपके कपड़े को काटे हैं, कई कपड़े देखो आपके सभी ठीक है, कपड़े नहीं काटे, फिर चुंटियां लगाते हो आप बहुत बड़ी बड़ी, हां चुंटी चुंटी मैं नहीं लगाता, चुंटी आप लगाते हो, ये तो चूही चूंटी नहीं लगाती है, वो काटती है ना कि चूंटी लगाती है वो, और और क्या बोलना चाहते, क्यों मतलब क्यों है चूही से शादी करना, ना मम्मी देख रही है ना, तो मम्मी प्लीज यार समझाओ, वो नहीं कैसे, कौन सी मम्मी, दोनों मम्मी, कौन सी चेक वाली मम्मी या कौन वाली मम्मी, मम्मी 1 मम्मी 2, लोकेश नाउ मम्मी 1 या 2, मम्मी 1 1 या 2 ये पूछा मैंने, 1 या 2 ये क्या होता है, ऐसे ऐसे क्या होता है, 1 या 2 इसका आपको जवाब नहीं आ रहा, अभी तक हम वेट कर रहे हैं आपका जवाब, मम्मी वन कौन सी है ये भी बता दो, उधर वाली तो मम्मी 1 होगी मेरा, उधर वाली मतलब कि मेरे वाली, तो मम्मी 2 होगी इनकी वाली, तो क्या कहना चाहते हैं मम्मी 1 से, मम्मी 1 से ये कहना चाहती हूँ कि आप मेरे को बाहर तंग करते हो, ऐसा इल्जाम नहीं, आप मीडिया पे आए हो, सामने मीडिया पे आए हो तो ऐसी बात का, तो बड़े आशीष कोहली बना रहे हो शब्द नहीं बोलना चाहिए तो क्यों ऐसा, क्यों लोग को समझाओ लोगों, हम भी खा लेते हैं फिर थोड़ी सी रोटी, ओके रोटी खा लूंगा, तो गाइस अब इनसे कोई पूछे कि ये खाना क्यों खा रहे हैं, आपके पेट में क्या नाच रहा है, मेरे पेट में बगड़ बिल्ली
मेरे पेड़ में नाच रहे बांगड़े बल्ली बांगड़े बिल्ले बोल इधर डिनर चल रहा है रात को फंक्शन होता है डिनर बहुत चल रहा है तो बहुत चूही के बरात में इसकी चूहे के बरात में आया वो बोल रहे बांगड़े बिल्ले भाई बताइया बताइया बांगड़े बिल्ले नाच रहे हैं ये कौन से टाइम का खा रहे हैं इनको भी देख के बांगड़े बिल्ले नाच रहे हैं इसलिए उनको थोड़ा उनको थोड़ा राशन पानी देना पड़ता है ना इसलिए बांगड़े बिल्लों को उनको राशन पानी थोड़ा रोटी दे देते हैं थोड़ी सब्जी दे देते हैं इनको बोलता खा ले यार इसको बेचना चाहिए इनको भी मेरी ओर देख के मुंह में पानी आ रहा था बोल रहे दे अड़ी मी भी दे दे अड़ी मी भी ऐसे बोल रहे थे और दे नहीं रहे बांगड़े बिल्ले नाच रहे हैं तो गाइस बाहर गया था फाटा तो फाटा से लाया बोल रही मेरे को बड़ा पाव खाना तो उसके लिए लाया बड़ा पाव तो मैंने अपने लिए अलग चीज लाई है क्या लाया दाबुली दाबुली बोलते हैं इसको दाबुली हाँ तो ये होती है दाबुली इसने एक ताकत ला लिया इन्हें तो अब मैं इसको खाऊंगा इसमें क्या ये होता पाव और इसमें आलू भर के ना और नमकीन होती है मिसल पाव वाली वो होती है यार मैं नहीं खाने मैं खाना जहाँ तू खाना बड़ा पाक नाम ये बन रहा हमारा कड़ा कड़ा में कर दिया इसने पूरा पानी पानी अब बोल रही कड़ा बनाना था मेरे को देखते हैं अभी कड़ा का कैसे बनती कड़ा बोलती है रेड वाला बनना है वाइट वाला बनता है अभी देखते हैं इसको वाइट वाला तो देखेंगे अभी क्या बनता है कड़ा देखो एक कड़ा कड़ा दिखाई दे रहा है खीर दिखाई दे रही है मेरे को ये अभी दिखेगा कड़ा अभी दिखेगा बोलती है अभी दिख कोई नहीं वेट करते हैं हम वेट करते हैं वेटिंग भाई यार कड़ा बन रहा ना तो मेरे को पुरानी बातें याद आ गई तो जब हम छोटे छोटे थे ना छोटे छोटे इतने भी छोटे नहीं थे छोटे थे मतलब तब वो मम्मी को बोलते थे बरसात का दिन होता था जैसे बारिश वाले अभी दिन चलते हैं तो मम्मी को बोलते थे मम्मी बना हलवा कड़ा बना मम्मी कड़ा बना तो मम्मी ने बोलना जा तेज नहीं रसोई दी छत्ती थल पांच रुपये अक्षय तो भी मम्मी इं आख दी मेरी मम्मी लिया 2 रुपये सूजी ते मम्मी बोलती थी जा ढाई ढाई रुपये का सूजी लिया 2.5 रुपये जो बच के दिख लिया है मत 2.5 रुपये की सूजी लाते थे तो हलवा बन जाता था कड़ा बन जाता था हमारा कम से कम 4-5 बंदे खा सकते थे तो आज मैंने शायद कितने की लाई है 10-15 रुपये की 15-20 की लाई है तो पहले 2 रुपये मतलब 5 रुपये में पूरा कड़ा बन जाता था दो घी डाला थोड़ा सा थोड़ा गरी गुरी डाली मतलब 5-7-8 रुपये में कड़ा बन जाता था अभी 5-6 बंदे खा लेते थे मगर अभी देखो भाई टाइम क्या आ गया अभी तो मतलब कम से कम भी कितना लग जाएगा हो गया ये भाई कड़ा बन गया लिक्विड लिक्विड तो मतलब अभी ठीक है अच्छा बन गया अभी खा के टेस्ट करेंगे देखें कैसा टेस्ट है इसका बरसात के मौसम में हलवा मजा अभी देखेंगे टेस्ट इसका कैसा है टेस्ट इसका अभी तो अभी अब डाल रही है परोस रही है अभी देखते हैं अभी खा के बताएंगे आपको कैसा टेस्ट है कैसा नहीं टेस्ट आप भी ट्राई करना अभी आप भी जैसे हमारे जम्मू में बारिश लगी है ना अभी आप भी ट्राई करना तो जो उधर के भी देख रहे हैं जहाँ भी बारिश लगी तो ट्राई करना हलवा बहुत ही अच्छा लगता है भाई हर बारिश के दिन में हलवा खाने के लिए ओके टेस्ट बना भाई अच्छा बना ऐसी कोई बात नहीं है नहीं टेस्ट बना बहुत अच्छा बना हलवा तो बहुत अच्छा बोलो क्या बोलो रुक गया नहीं कुछ नहीं बोलना था ना उल्टा सीधा बहुत अच्छा बना टेस्ट बना खा रहा हूँ मैं हाँ तो गाइस अभी हम करने लगे डिनर और डिनर में क्या बनाया मैंने बोला यार पोहा बना दिया हल्का उल्का नाश्ता बोला डिनर करेंगे क्योंकि आपके सामने अभी शाम को हलवा भी खाया था तो वो लाया था दावली लाया था वो भी खाया था तो इसलिए बोला कि हल्का उल्का डिनर बना दे तो मैंने बोला पोहा बना दे तो पोहा खाने लगे पोहा ये बनाया पोहा तो पोहा खाने लगा हूँ अभी मैं तो ये खा रही है बड़ा पाव तो मैं पोहा खा रहा हूँ ओके बाय बाय तो होप आपको अच्छा लगा हो ये ब्लॉग तो प्लीज़ आगे शेयर किया करो तो सब्सक्राइब बढ़ाओ भाई को सपोर्ट करो तो अच्छे अच्छे ब्लॉग लाऊंगा जितनी कोशिश करता हूँ इतने अच्छे ब्लॉग लाने के लिए आज मेरे को लग रहा है ये ब्लॉग भी कुछ लंबा होगा तो ओके भाई और भाई कमेंट करो एक दो कमेंट आया मेरे को
और भी ज़्यादा कमेंट करो कि डोगरी में ब्लॉग लाऊं, फिर मैं देखता हूँ ब्लॉग लाऊंगा डोगरी में किसी दिन। तो ओके, बाय बाय, गुड नाइट, जय माता दी, जय हिंद।